गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स. इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर. बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा. बाई चांस अगर मैं ऐसे ड्रॉ करना पड़े तो आपको हाफ ड्रॉ करना है इसके अंदर. लेट मी टेल यू हाउ टू ड्रॉ. मीन्स आपको ऐसे बना के ऐसे सर्कल बना दो और नीचे से स्टार को निकाल दो. यह आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगी अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर. अब इसमें अगर आपका करंट ऊपर जा रहा है तो आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू यूज राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल इफ द करंट इज फ्लोइंग अपवर्ड डायरेक्शन देन द डायरेक्शन इन विच योर फिंगर्स रैप विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन. तो फिंगर्स इस डायरेक्शन में रैप हो रही है बेटा. इसके पीछे से मीन्स ये ऊपर है और इसके पीछे से ये रैप हो रही है. तो इसका मतलब आपकी ऐसे जा रही है. ये आपका डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का. अब अगर सपोज ये स्ट्रेट कंडक्टर, अगर मैं इसको सपोज करूं कि ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है और अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, फोल्ड कर रही हूँ. मीन्स मैंने इसको किस फॉर्म में चेंज कर दिया, सर्कुलर लूप के फॉर्म में चेंज कर दिया. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड दिस सर्कुलर लूप. मीन्स अराउंड दिस वायर और कंडक्टर इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ लूप. अगर ये ऐसे बन जाती है बेटा तो हम इसको लूप कहते हैं. तो इसमें हमने इसको मैंने इसको व्हाइट कलर से दिखाया है लूप को. एंड इन दिस लूप द करंट इज फ्लोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यू कैन सी अगर करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसे ड्रॉ करनी है वो समझो बेटा. अब सोचो मैं इसी को पकड़ के बताती हूँ. जैसे ये लूप है तो अगर मैं इसको पकड़ती हूँ, राइट हैंड का यूज करना, लेफ्ट का नहीं करना. तो आपके आपका हाथ यूं जाएगा तो करंट का डायरेक्शन ये हो गया. तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इसके नीचे से बाहर निकल के आएंगी बेटा. तो ये मैंने इसको व्हाइट कलर से डार्क दिखाया तो इसके नीचे से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बाहर आ रही है. तो ये डायरेक्शन इसका इधर से नीचे से जा रही है और ऊपर से निकल रही है. ऐसे इसकी एरो इस साइड में आएगी और इस साइड में आके जब आप पकड़ते हो तो अब आपको इस तरीके से पकड़ना है. तो अब आपका ये हिस्सा ऊपर है और वो हिस्सा नीचे है. जो हिस्सा नीचे है तार के तो उसको लोअर डायरेक्शन में से उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन आएगा. तो हम देख रहे हैं कि सेंटर में सबका डायरेक्शन सेम है, ठीक है. अब अगर मैं इसको ऐसे कंसिडर करूं इस तरीके से तो आप देखो इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बाहर निकल रही है. तो कहाँ से निकलती है वो हिस्सा नॉर्थ पोल होता है और जो दूसरा हिस्सा होता है वो क्या होता है, साउथ पोल. अब अगर मैं इसी लूप को एक बोर्ड में से पास करूं, सपोज मैं एक कार्डबोर्ड लेती हूँ और इसमें से मैंने ये लूप पास की ठीक है, और इसमें से करंट ऐसे जा रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ द करंट हो गया. अब आपको क्या करना है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनानी है. किधर मींस अगर मैं इसके ऊपर आयरन फिलिंग स्प्रिंकल करती हूँ देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन when we allow the current to pass through this conductor, the direction of magnetic field lines. I'll fill in sprinkle करती हूँ तो वो अपने आप को सर्कुलर फॉर्म में, कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में अरेंज कर लेंगी. तो लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन, अब बार बार तो बेटा कंपास होता नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया था कंपास का जिस साइड में नॉर्थ पोल मूव करेगा दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. बट हेयर आई एम यूजिंग राइट हैंड थंब रूल अगेन. Now the current is going in the upward direction, so according to right hand thumb rule, the direction of magnetic field lines will be like this. Now in this case, the current is going in the downward direction, so it will move like this. If the direction in both the wire are in opposite direction, means direction of current are opposite to each other, then you can see the direction of magnetic field lines at the center. Is in the same direction. Means अगर
आप इसमें भी देखो, इसमें करंट ऐसे जा रहा था, इसमें करंट ऐसे आ रहा था, तो लेकिन सेंटर में जाकर के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या हो जाता है, एक ही डायरेक्शन में हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना आप लोगों ने, और कभी कभी ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आ जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड, ये है अराउंड अ सर्कुलर लूप व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और कभी कभी ऐसा भी रहते हैं व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसमें क्या होगा बेटा, उसमें आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ये जो करंट नीचे से एंटर कर रहा था उसे ऊपर से एंटर करके नीचे से बाहर आएगा, और उसमें सभी में मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इधर नॉर्थ पोल हो जाएगा और इधर साउथ पोल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप डिपेंड, मीन्स अगर आपकी लूप है ये, जैसे यही लूप ले लो, इसके सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पर डिपेंड करेगा, ये इसलिए लिया गया था, इसके बाद मैं आपको सोलिनॉइड बताऊंगी। अब लूप के जो है मैनी टर्न्स कर सकते हो आप, अगर आपकी बुक के अंदर डायग्राम है आप देख सकते हो, पेज नंबर 229 पर टॉप में डायग्राम है, तो उसमें क्या किया हुआ है इन्होंने, इसी को ऐसे गोल घुमाया हुआ है, मीन्स बहुत सारे डायरेक्शन, बहुत सारा इसको कॉइल्स के रूप में ले लिया, और फिर इधर से नीचे, और इसका इनिशियल पॉइंट आपका इसके नीचे था, मतलब इस तरीके से दिखाया हुआ है। मैंने तो आपको एक ही लूप के बारे में बताया, सिंगल है तो लूप है, और फिर क्या होता है मैनी टर्न्स, उस कॉइल के अंदर क्या है मैनी टर्न्स है, तो उसके बारे में आपको इसके आगे समझाया जाएगा। तो ये होता है कि अगर मैनी टर्न्स हो जाते हैं तो उस टाइम पर आपका मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अंदर है, द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, किस पर डिपेंड करता है। तो अगर ये कॉइल है सपोज, इसके सेंटर में तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है बेटा, बी प्रोपोर्शनल करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, मींस इसमें से करंट कितना जा रहा है, अगर करंट आप इंक्रीज करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। नंबर टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कॉइल, जितना बड़ा रेडियस होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, तो सर्कुलर कॉइल का रेडियस बड़ा नहीं होना चाहिए। नंबर थ्री, बी प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न्स, मींस इसके अंदर कितने टर्न्स हैं, कॉइल के कितने टर्न्स, ऐसे कितनी बार गोल गोल घुमाया गया है इसको, तो उस पर डिपेंड करता है, मीन्स अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। तो ध्यान रखो बेटा, ये शॉर्टकट में आप याद रखोगे, ये किसके लिए है, सर्कुलर कॉइल के लिए है। इससे पहले मैंने लास्ट वीडियो में स्ट्रेट कंडक्टर के आसपास बताया था कि किस पर डिपेंड करता है, तो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए बताया था बी प्रोपोर्शनल आई, और बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इधर आर क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, तो उसमें टू फैक्टर्स थे, अगर स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है, उसके लिए मैंने ये बताया था, और अगर सर्कुलर कॉइल है तो उसके लिए ये होगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि जब ये नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज हो जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कैसे हो जाती है। बेटा यू कैन सी हियर कि हर कॉइल के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, एक ही डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो जब टोटल करंट एक ही डायरेक्शन में जाता है सबका तो टोटल एड अप हो जाती है, उसके आसपास जो फील्ड स्ट्रेंथ निकलती है ना, जैसे ये है इसके आसपास जो करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी उसका सबका डायरेक्शन सेम होगा, तो जब डायरेक्शन सेम होगा तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो एड अप हो जाएगी, तो इसलिए क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, जो उसकी स्ट्रेंथ है, जब नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होते हैं तो वो टोटल उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज इसीलिए होती है, अगेन किस लिए होती है, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम इन ऑल द कॉइल्स।